हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन BHU MCOM एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग BHU MCOM एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने उसके 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और आज के सेशन में रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक लास्ट सेशन नहीं कवर किया है, आप ज़रूर से वो सेशन कवर कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखो, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का मेरा दो रीज़न होता है। पहला रीज़न तो ये कि आपको ये पता चल पाए कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, और दूसरा, आपने देखा होगा हमारा जितना भी सेशन, हम कहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके ऑप्शन नहीं बताते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बट उसका डिटेल डिस्कशन करते हैं, उसका रीज़न बताते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आए, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो बहुत ही ईजिली उससे रिलेटेड MCQ कवर कर पाओगे। इस पेपर की जो PDF है, उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था। तो PDF जैसे ही हमारा ये सेशन कवर हो जाएगा रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस का, उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर पेपर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, अगर और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड या हमने कोई क्लास अपलोड की उससे रिलेटेड PDF चाहिए, तो प्लीज़ आप मैसेज कर दिया करो और एक हफ्ते का एटलीस्ट टाइम दिया करो उसको अपलोड करने के लिए। डेली उस पर मैसेज आते हैं कि मैम ये वाला PDF अभी तक अपलोड नहीं हुआ, तो वो मत किया करो, मेंशन कर दिया करो और थोड़ा टाइम दिया करो, हम विद इन अ वीक उसको अपलोड ज़रूर कर देंगे। ठीक, तो चलो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे, अप टू क्वेश्चन नंबर 120 तक जाएंगे। लिखा है व्हेन द काउंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर मेंटेन टुगेदर इट इज़ नोन एज। अब देखो, डिपार्टमेंट्स अपना अपना ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाती है, तो वो तो इंडिविजुअल हो गया, बट जब हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स का ओवरऑल ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट इज़ टोटल में लेकर के चलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलमनर फॉर्म, और ये बेसिकली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 4, कॉलमनर फॉर्म। नेक्स्ट, अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग द हेड ऑफिस ओपन्स ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की बात करें तो स्पेशली इसमें हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, और जितनी भी लोडिंग होती है, चाहे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, किसी पे भी, गुड्स सेंट टू ब्रांच पे, लोडिंग को हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, टू गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर आर कॉल्ड। कह रहा है अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइकवाइज टी एंड कॉफ़ी, तो ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में यही होता है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड खुद ब खुद मार्केट में बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा 4, सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फैसिलिटेट एंड प्रमोट स्पीडियर कैश कलेक्शन। लॉक बॉक्स सिस्टम, कंसंट्रेशन बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट्स, डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन ऐसा है जिसको अगर हम अप्लाई करें कैश कलेक्शन फास्ट हो पाएगा, दैट इज ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। करेक्ट आंसर फर्स्ट ही होगा, इसमें ऑप्शन दिया है ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट, वॉट इज द EOQ फॉर अ फर्म हैविंग एनुअल सेल्स 20,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है, परचेज लिमिट पर यूनिट दी है, एंड कैरिंग कॉस्ट दिया है 25% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। अब देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली ड्रॉप्ड क्वेश्चन था, और इसका रीज़न भी है। अभी वैसे हम EOQ का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जब हम कॉस्ट रिलेटेड क्लास अपलोड करेंगे। इसमें इन्वेंट्री की स्पेलिंग गलत है, एंड EOQ में जो हम लोग एनुअल कंजम्पशन लेते हैं, ए किसको डिनोट करता है, एनुअल कंजम्पशन को, कि पूरे साल में हमने कितना कंजम्पशन किया है, और कंजम्पशन किसका होता है, रॉ मटेरियल का होता है, बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था, एनुअल सेल्स। तो बेसिकली हमारे पास क्या दिया, आउटपुट दिया है, और हम EOQ में किसकी बात करते हैं, इनपुट की बात करते हैं, क्लियर। तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप था, बट अब अगर ये मान लो कि एनुअल सेल्स नहीं दिया, ये एनुअल प्रोडक्शन दिया है या एनुअल कंजम्पशन दिया है, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग EOQ कैलकुलेट करें तो सिंपली हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए, दैट इज़ एनुअल कंजम्पशन, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है 2,000 रुपीज़, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है, 25% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का 25% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ ₹3। बस अ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर देंगे।
अब सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करो. ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2,000 रुपीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रुपीज़ 3. इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 5164 यूनिट्स. दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 2, बट क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग थी इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप का पार्ट बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज एनालाइज्ड यूजिंग टेक्निक्स सच एज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, डिसीजन टी अप्रोच, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस. तो अगर टेक्निक्स की बात करें किससे रिलेटेड, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट भी है, डिसीजन ट्री अप्रोच भी है, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी एंड सिनेरियो एनालिसिस भी है, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस ये कोई रिस्क एनालिसिस मेथड या टेक्निक नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा 3, ए बी सी एंड डी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिसीजन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन. अब MM अप्रोच की बात करें तो हमने बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, बट एक ये हमारा टॉपिक ने रह गया था. इस टॉपिक पे हम बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं. MM अप्रोच की बात करें तो इसमें परफेक्ट कैपिटल मार्केट ये भी अजम्पशन है, होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन भी है एंड इन्वेस्टर्स रैशनैलिटी भी है. करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बट अगर क्वेश्चन देखेंगे ना ये वाला तो इन्होंने इसको ड्रॉप्ड क्वेश्चन का पार्ट बनाया है. बट करेक्ट आंसर हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि तीनों ही, ये तीनों ही गिवन पॉइंट अजम्पशन है MM अप्रोच के. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ अग्रीमेंट्स लीगल होते हैं और कुछ अग्रीमेंट्स लीगल नहीं भी होते हैं. हम लोग क्या मानते हैं कि वो अग्रीमेंट जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी होगी बाय लॉ, सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ये करेक्ट है. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बने हो तो नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले उसमें अग्रीमेंट रहा होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अनक्लेम डिविडेंड्स, बिल्स पेबल, बैंक ओडी. लास्ट के तीनों तो करंट लायबिलिटी हैं. अब देखो यही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पे डिटेल डिस्कशन किया हमारे सेकेंड चैनल पे, वहाँ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अपलोड किया है. बेसिकली वो बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, और क्योंकि हमारा सेकेंड चैनल बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है जहाँ हम टॉपिक्स अपलोड करते हैं रिलेटेड टू SSC, UGC, NET, EPFO एंड सो ऑन. तो वहाँ हमने ये टॉपिक ऑलरेडी अपलोड करके रखा है आपके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, और वो आपके एग्जाम के लिए दैट इज MCOM एंट्रेंस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं. तो वो क्लासेस आप जरूर से कवर कर लेना, उसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. करेक्ट आंसर होगा 1st, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करें तो उसको हम लोग करंट लायबिलिटी में नहीं दिखाते, इसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी में भी नहीं दिखाते, बल्कि हम लोग इसको शेयर होल्डर्स फंड के बाद दिखाते हैं. क्लियर. तो करेक्ट आंसर होगा 1st. नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला दिस फॉर कैलकुलेटिंग मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा हैविंग X1 एज क्लास मार्क्स, D1R, अगर D की बात करें दैट इज डिफरेंस, D मतलब क्या है, डेविएशन, और ये डेविएशन हमेशा किससे होता है, आइदर मीन से और अज्यूम्ड मीन से. क्लियर. तो करेक्ट आंसर होगा 1st. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हमने डिटेल सेशन अपलोड किए हुए हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. एसोसिएशन होगा, फेडरेशन भी होगा, कंसल्टेशन भी होगा, बट स्पिन ऑफ ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 72 देखो, तो ये भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, और क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट्स जो पूछा है इसमें एरर है इसीलिए ये हम स्किप कर रहे हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स द नंबर ऑफ केसेज हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 आर. कह रहा है 25 या उससे ज़्यादा मार्क्स कितने केसेस में, तो 7 + 3 + 2 दैट इज 12 केसेस में जो मार्क्स हमारा 25 और मोर है. तो करेक्ट आंसर होगा 2nd, 12. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज, आर के लिए हमने पहले बताया था कि -1 to 1 के बीच में लाई कर सकता है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस,
ये देखो कोएफिशिएंट था, ये स्क्यूनेस है, ये भी हमने बताया था -3 to 3। अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल पे क्लासेस नहीं कवर की हैं तो हम यही बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जब सारी क्लासेस वहाँ अपलोड हो रही है तब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे हमने कंप्लीट सेशंस अपलोड करके रखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी वहाँ डिस्कस किया है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश एज आर्कुलेटेड बाई J.M. Keynes आर ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा कि ये तीनों ही रीज़न है, और इन तीनों टॉपिक पे ना, या पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे ही हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत रेलेवेंट है और इस एक टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। तो हम इस पर एक डिटेल सेशन अपलोड कर देंगे सो दैट आपको ये पता चल जाए कि ट्रांजेक्शन मोटिव क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है, एज वेल एज स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब क्या है। नेक्स्ट, द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सजेस्ट दैट द डिमांड फीस मनी इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर मनी। प्योरली अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर मनी। प्योरली अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ मनी। प्योरली अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड इनकम हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर मनी। अब अगर हम लोग बात करें फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, तो उनका कहना था कि जो पैसे की डिमांड होती है वो बेसिकली इनकम पे डिपेंड करती है, मतलब लोगों की कितनी इनकम है वो उस पे डिपेंड करती है, ना कि इंटरेस्ट रेट पे। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग स्किप करेंगे, बट बोमल टोबिन एनालिसिस ये हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है तो उसको भी हम स्किप कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट डिजायर्ड टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। यहाँ बेसिकली कैपम के फॉर्मूले की बात कर रहा है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा भी था कि RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब क्योंकि हम बार बार बता भी रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमने क्लासेस अपलोड की है वहाँ सब हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं की है वो क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना, तो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिस्कलेस रिटर्न दैट इज़ RF, सिस्टमैटिक रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिटर्न। तो देखो पहला तीन तो यूज़ होता है बट लास्ट वन यूज़ नहीं होता है जब हम लोग कैपअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हॉथरॉन स्टडीज बिलोंग्स टू बिहेवियरल अप्रोच। ये सब क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, टेस्ट चेक रिड्यूसेस द, अब देखो टेस्ट चेक की बात करें ना तो बेसिकली सैम्पलिंग मेथड जैसा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में से कुछ ट्रांजेक्शन्स को चूज करते हैं और उन ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स करेक्ट होते हैं तो ऑडिटर ये मान लेता है कि बाकी भी जो एंट्रीज हुई हैं वो करेक्ट हैं, क्लियर। तो टेस्ट चेक की हेल्प से ऑडिटर का काम रिड्यूस होता है, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड और कैपिटल बजटिंग के सारे मेथड पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने सेशंस में। पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, NPV मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड। करेक्ट आंसर होगा NPV मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एज वेल एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड। ये तीनों ही अगर देखा जाए तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का पार्ट है। करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इन द इक्वेशन MV इज इक्वल टू PT, V रिप्रेजेंट्स। अब देखो अगर V पूछा है तो नेक्स्ट टाइम कुछ और भी पूछ सकता है, तो हम सब के बारे में बता दे रहे हैं कि अगर M की बात करें तो M का डेरिवेशन है मनी सप्लाई। V का क्वेश्चन में पूछा ही है, V का डेरिवेशन है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। नेक्स्ट P है, P मतलब हो गया हमारा एवरेज प्राइस ऑफ ईच ट्रांजेक्शन।
And last one is T. T है number of transactions involving money payments, मतलब जिसमें पैसे का हम पेमेंट कर रहे हैं, मनी पेमेंट, उससे रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो टी को डिनोट करता है. क्लियर? तो वी की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 2, वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट है फंक्शनल मैनेजर्स डिस्चार्ज फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेशलाइजेशन. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड, मैनेजरियल एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग आर द सेम फॉर बोथ जर्नल एंड फाइनेंशियल मैनेजर. ये भी करेक्ट है. तो इन दोनों के ही पॉइंट से देखें तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ देखो, हमने पहले देखा था अजर्शन एंड रीज़न. जहाँ अजर्शन और रीज़न दिया रहता है वहाँ ये देखना होता है कि क्या दोनों करेक्ट हैं, और करेक्ट है तो क्या रीज़न जस्टिफाई कर रहा है अजर्शन को. बट क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिया तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द पावर वैल्यू एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर्स प्रोपोर्शनेटली इज डिस्क्राइब्ड एज बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट्स, राइट इशू, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. करेक्ट आंसर होगा 4, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. क्योंकि अगर हम लोग स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देते हैं. क्लियर? और ये जितने भी टर्म्स हैं ना रिलेटेड टू शेयर्स, इस पर भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं. नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ प्रोटेक्शन दैट इज अवेलेबल टू आउटसाइडर्स. नेक्स्ट, द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द जीडीपी एंड द एनडीपी इज. क्या होता है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? डेप्रिसिएशन. एंड एज पर गिवन ऑप्शन देख लेते हैं, फैक्टर इन मार्केट प्राइसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस. करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस को कई बार हम लोग डेप्रिसिएशन की तरह भी रेफर करते हैं. नेक्स्ट, सीओजीएस इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी बताया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बेसिकली ये नेट परचेजेस की बात कर रहा है. एंड जो ऑप्शन दिया है उसमें करेक्ट आंसर होगा 3. नेक्स्ट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ द कंबाइनिंग एंटरप्राइज. दिस ऑब्जेक्टिव इज रियलाइज बाय, अब अगेन ये क्वेश्चन है ड्रॉप क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ग्रोथ की स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, सिर्फ इसलिए उन्होंने उसको ड्रॉप में डाल दिया. बट एज पर गिवन ऑप्शन हम बता दें कि करेक्ट आंसर क्या है, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये तो ऑब्जेक्टिव है ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का. रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन भी है, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड कंट्रोलिंग द मार्केट भी है. देखो मार्केट की भी स्पेलिंग गलत है, बेसिकली मिस प्रिंटिंग है. बट ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ही बेसिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस कॉम्बिनेशन का. करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, येस. पेइंग द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, येस. इशूइंग बोनस शेयर्स. करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ये भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन था बट स्टिल हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं. और ड्रॉप्ड होने का रीज़न क्या था, देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड एंड फॉर्मूला लिख दिया, जबकि ये डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है और ये फॉर्मूला गिवन नहीं है. क्लियर? इसीलिए इसको ड्रॉप क्वेश्चन का पार्ट बनाया गया. बट स्टिल हम लोग को पता है कि रॉयल्टी का पार्ट क्या है, डेड रेंट. ब्रांच के लिए देखो दो ऑप्शन दिया है, स्टॉक डेटर मेथड भी दिया है, रेमिटांस इन ट्रांजिट भी दिया है, तो इस पर आगे डिस्कशन करेंगे. हायर वेंडर क्या हो जाएगा, रीपोजिशन ऑफ गुड्स, की गुड्स को छीनना. एंड ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अभी ऊपर बताया कि ये स्टॉक एंड डेटर मेथड का पार्ट होता है, तो ब्रांच अकाउंट के लिए क्या हो जाएगा, रेमिटांस इन ट्रांजिट. क्लियर? देखो हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर लिख दिया कि ए का होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 2, जो कि गिवन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है. बस आप लोग याद रखना कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हाउ फ्रिक्वेंटली फाइनेंशियल मार्केट कमिटी मीट्स एट द RBI टू रिव्यू लिक्विडिटी conditions, वीकली, fortnightly, quarterly, daily. करेक्ट आंसर होगा 4, डेली. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन कैनेडा एंड रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल फॉर. ये रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जो जनरेट हो रही है जिस लैंड से, वो कहाँ सिचुएटेड है, कनाडा में. अगर वो इंडिया में सिचुएटेड होती तब टैक्सेबल नहीं होता. अब देखो ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर देंगे, वहाँ हमने इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन किया है. करेक्ट आंसर होगा 1, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट. नेक्स्ट,
according to which concept the proprietor of the business is considered as a creditor of the business? Separate entity concept. Next, on the job training methods include. अब ये भी drop question का part है, but हम बहुत जल्दी on the job as well as off the job training method पे भी एक session upload करेंगे, क्योंकि इस topic से related ना बहुत सारे questions exam में already cover कर चुका है. Next is question number 98. Paper money does not possess which of the following property? Acceptability होता है, divisibility भी होता है, portability भी होता है, but durability ये इसका part नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ये भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय नो डाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स क्वालिटीज फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन इंडिया. अब क्योंकि यहाँ पे क्वालिटीज नहीं क्वालिफाइज होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप क्वेश्चन का पार्ट माना गया है. बट हम ये बता दें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में जो कि PSL के अंडर आते हैं, दैट इज़ ये क्वालिटीज नहीं होगा, क्वालिफाइज होगा, क्वालिफाइज फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. पहला है एग्रीकल्चर, फिर है MSME, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा और भी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है जिसमें जिसमें नेक्स्ट आएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट, देन एजुकेशन, देन हाउसिंग, एंड लास्ट वन इज रिन्यूएबल एनर्जी. ये ओवरऑल वो सेक्टर्स हैं जो कि PSL के अंडर में आते हैं, और आपको सबका नाम याद रखना है, क्योंकि इस बार अगर ये तीन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि नेक्स्ट कोई तीन पूछ ले. करेक्ट आंसर होगा फोर, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एन आउटले विच इज इनकर्ड इरेवोकेबली इन द पास्ट इज कॉल्ड. जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं संक कॉस्ट की. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, बट इस क्वेश्चन को ड्रॉप्ड क्वेश्चन का पार्ट माना गया है. रीजन बींग, यहाँ लिस्ट टू में फोर्थ एंट्री देखो, ड्यूरेस, ये बेसिकली मिसप्रिंटिंग है और ये कोई वर्ड होता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप्ड का पार्ट माना गया है. कोअर्जन के लिए कोई मैचिंग नहीं दी है क्वेश्चन में, बट सेवियट एम्प्टर के लिए लेट द बायर बिवेयर दिया है. वॉइड के लिए अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक अग्रीमेंट आप बिना कंसिडरेशन के कर रहे हो तो वो कभी वैलिड नहीं हो सकता. एक्सेप्शंस हैं नो डाउट, बट एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे अग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है. फिर भले वो कंसिडरेशन किसी भी रेट पे हो, उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपने अग्रीमेंट किया है तो उसमें कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, तभी उसको क्या माना जाता है, वैलिड, अदरवाइज वो क्या होगा, वॉइड. एंड कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का करेक्ट मैच होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट 105, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्लास अपलोड की थी, कि द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाज नोटिफाइड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 133. नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दैट इज MBO वाज पॉपुलराइज्ड बाय मैक्स वेबर, पीटर एफ ड्रकर, FW टेलर और हेनरी फ्योल. करेक्ट आंसर होगा टू, पीटर एफ ड्रकर. ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेट में NTA based questions जो अपलोड किए थे सब जगह डिस्कस किए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, ये अगेन ड्रॉप्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक है. नेक्स्ट 108, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर मोस्ट लाइकली टू गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, दोज लिविंग ऑन पेंशन, दोज लिविंग ऑन सेविंग्स, दोज हु आर रीपेइंग बोरोड मनी, दोज हु हैव लेंट मनी. नो डाउट अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो उस टाइम उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो बोरोड मनी, जिन्होंने पहले उधार लिया था और अब वो उसका रीपेमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, अगेन ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन का पार्ट है. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंक्रीज द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिनेमा हॉल इज अ, अगर आप सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो नो डाउट इसका बेनिफिट आपको बहुत सालों तक मिलने वाला है, तो ये आपके लिए एक तरह का असेट है, इसलिए हम इसको मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो करेक्ट आंसर होगा टू. नेक्स्ट, वैलिडिटी पीरियड फॉर द प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक इन अ बैंक इज 3 months. नेक्स्ट, द फीफो मेथड इज एडवाइजेबल व्हेन प्राइजेज आर फॉलिंग. बहुत जल्दी हम एक क्लास जो कोर्स पे अपलोड करेंगे वहाँ हम फीफो लीफो किन सिचुएशन में एप्लीकेबल है, किन सिचुएशन में एडवाइजेबल है, ये सारे डिस्कशंस करेंगे रिलेटेड टू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वहाँ सब कुछ बताएंगे.
Next, if liability is inversely realized to taxable income, इट इज़ कॉल्ड, अगेन ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन का पार्ट है, बट हम एक सेशन अपलोड करेंगे जहाँ प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड नॉर्मल टैक्सेशन पे डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? स्टोर ऑफ वैल्यू है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी है, बट मीन्स ऑफ बार्टर ये फंक्शन नहीं है मनी का. तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड इज वॉयलेटेड अंडर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट आंसर होगा थर्ड, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. अभी जब हम CMA फाउंडेशन से रिलेटेड जो क्लास अपलोड कर रहे हैं रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट, वहाँ पे हम जब यूनिटी ऑफ कमांड पे डिस्कशन कर लेंगे तो ये टॉपिक आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, और साथ ही साथ हम बहुत जल्दी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे भी क्लास अपलोड करेंगे. नेक्स्ट, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम रिक्वायर्स strong and dependable relationship with suppliers, reliable transportation system, conveniently located docks and storage areas, geographic proximity to the manufacturing facility, efficient credit and collection policy. अब just in time inventory system के लिए last वाली requirement नहीं मानी जाएगी, but बाकी चारों requirement है. तो correct answer होगा 4, A, B, C and D only. Next, under inflationary period, the LIFO method will give. अगर हम लोग inflationary period की बात करें तो under LIFO जो हमारा current COGS होता है वो higher होगा. Clear? And option में देखो लिखा है lower of COGS. नहीं, COGS कभी भी lower नहीं होगा, इस case में ज़्यादा होगा. और जो हमारा profit है वो lower side होगा, जबकि option में higher profit दिया है. तो इन तीनों ही point में कोई भी correct answer नहीं है. Correct answer होगा 4, none of these. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ फॉर्मूले को मैच करने बोला है, बट फर्स्ट वन जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है उसको देखो स्पेलिंग मिस्टेक किया है, बेसिकली मिसप्रिंटिंग है. बट स्टिल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया है. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है. यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के लिए फॉर्मूला सेकेंड है. एंड सम ऑफ यूर्स डिजिट मेथड, ये देखो डिफीट मेथड नहीं है, डिजिट मेथड के लिए लास्ट फार्मूला करेक्ट है. अब डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं उनका भी फॉर्मूला हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. तो जो गिवन ऑप्शन है ना उसमें करेक्ट आंसर सेकेंड होगा. अब ड्रॉप्ड क्वेश्चन बोल करके इसका आंसर नहीं दिया, इसीलिए हम साथ ही साथ करेक्ट आंसर भी बता दे रहे हैं. नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी कार्ल पियर्सन मेथड, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, सातों फॉर्मूला डिटेल में डिस्कशन किया, पूरी प्रॉपर्टीज़ बताई रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इसीलिए हमने पहले बताया कि अगर कोई हमारे सेकंड चैनल से स्टैटिस्टिक्स नहीं कवर कर रहा है तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आज से उसको कवर करना शुरू करो, क्योंकि वो आपको हमेशा हेल्प करने वाला है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी एज वेल एज रेगुलर कोर्स के लिए भी. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट होता है, ये तो हमें पता है, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बट जो चेंज ऑफ स्केल है उसके साइन से ये अफेक्ट करता है. क्लियर? तो कौन कौन सा स्टेटमेंट लिखा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ए एंड बी ओनली. एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंबाइन. अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दोनों ही सीमेंट बनाती हैं और वो अगर कंबाइन होंगी तो सिंपली किस तरह की ये कॉम्बिनेशन होगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन. ये हमने ऑलरेडी अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन की क्लास में बताया भी है, सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में डिटेल डिस्कस किया है. तो अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं कवर की है तो मेरा ये सजेशन होगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की क्लास आप ज़रूर से कर लेना, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है उसमें देखो एक बिजनेस कॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है. फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है. स्टैटिस्टिक्स एंड कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे क्वेश्चंस, जिसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है. एंड इसमें से बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड स्टैट्स पे हमने ऑलरेडी डिटेल सेशन अपलोड किए हुए हैं. अच्छा, एक और चीज़ बता दें, हमने 2021 के नाम से बहुत सारी क्लासेस ड्राफ्ट की हुई हैं, वो सब रेलेवेंट है फॉर 2022 एज वेल, क्योंकि वो सारे वही टॉपिक्स हैं जो करंट ईयर में भी कवर करें एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में. तो ये मत सोचना कि मैम ने 2021 लिखा है तो उसकी हमें कवरेज नहीं करनी है. एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है,
जिस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। वहाँ जितनी भी क्लासेस हैं अप्रॉक्स 140 to 150, वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। फिर भले वो CMA इंटर के नाम से हो, CA इंटर के नाम से हो, या CMA फाउंडेशन के नाम से हो, वो सब आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है। अब ये पेपर तो हमने डिस्कस कर लिया, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आज का क्लास यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग MCOM एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।